हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग मजे में होंगे। और आज के मेरे वीडियो का टाइटल देखकर आप समझ चुके होंगे कि मैं किसके बारे में आपसे बातचीत करने वाली हूँ। और प्लीज़ ऐसा मत समझना कि मैं किसी का नाम लेकर फेमस होने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। अगर मुझे फेमस होना होता तो जिसके बारे में मैं बातचीत कर रही हूँ तो 1 महीने से लोग इनके बारे में वीडियो बना बना कर फेमस हो रहे हैं। पर मैं इस बात की खुशी के लिए वीडियो बना रही हूँ और मुझे खुशी इस बात की है कि आज सच्चाई की जीत हुई है। तो बात करते हैं सितारा यासिन जी की। और शायद बहुत लोग जो नहीं जानते थे वो भी आज जानने लगे हैं सितारा जी को, क्योंकि कहीं पे भी यूट्यूब पर जाओ आप तो उनके ही बारे में चर्चा हो रही है। बहुत लोग उनके खिलाफ भी वीडियो बना रहे हैं और बहुत सारे लोग उनके सपोर्ट में भी वीडियो बनाए हैं, और मैं आज उनके सपोर्ट में वीडियो बना रही हूँ। और मैं ऐसे जानती नहीं थी, ना ही उनकी चैनल पे कभी गई थी। तो मेरी एक यूट्यूबर फ्रेंड है, उनकी चैनल पे उनके बारे में बहुत सारे वीडियो थे तो मैं हमेशा उनको फॉलो करती हूँ। तो मैंने जब उनके बारे में वीडियो आया, हाँ शायद 20-25 दिन पहले या वही समय के बीच में, तो मैंने देखा, फिर मैंने फिर फॉलो किया सितारा जी को, मतलब कि सितारा यासिन चैनल को। फिर वहां जाकर मैंने देखा, उनकी वीडियो देखी कि भाई प्रॉब्लम क्या है, किस बारे में बात हो रही है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैंने देखा वहां पे कि उसके हस्बैंड की दूसरी शादी हो रही है, उसके बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही थी, बहुत सारी बातें हो रही थी। फिर सब लोगों ने ऐसा कहा कि ये गलत बोल रही है, ये सबको गुमराह कर रही है, मतलब कि झूठ मूठ का शादी किया है, कोई शादी नहीं हुई है, दूसरे की शादी हुई है, उसकी शादी को लेकर ये लोग ऐसे बता रहे हैं कि उनके सितारा जी के हस्बैंड ने दूसरी शादी की है। और वो पूरी गैंग मिली हुई है, मतलब कि सितारा जी के बहन की भी एक चैनल है और बहुत लोगों के उनकी मतलब कि जो जान पहचान वाले हैं उनकी बहुत 5-6 शायद चैनल है। तो वो सारी गैंग है, एक दूसरे को मतलब कि आगे बढ़ना है, यूट्यूब में फेमस होना है, इसलिए सब नाटक कर रहे हैं। मतलब कि बहुत कुछ सुनने को मिला। ये तो मैं बोल रही हूँ वो तो कुछ ही पॉइंट है, मतलब कि इसके अलावा भी, और इसकी वही बात लेकर के सितारा जी के हस्बैंड ने दूसरी शादी की है या नहीं की है, वही बात को लेकर दूसरी चैनल वाले भी एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं। तो आज मैंने बहुत कुछ देखा यूट्यूब पर। और फिर कई लोग बोले कि आपके हस्बैंड की शादी नहीं हुई है, वो तो आपके घर पे ही रहते हैं और आप झूठ बोल रही हो, और आप यूट्यूब पर फेमस होने के लिए सब कुछ कर रही हो, आप यूट्यूब आपके घर में इतनी भी आमदनी नहीं थी कि आप एक पॉट ले सको, एक प्लांट ले सको, या अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश कर सको, और जब यूट्यूब की कमाई आई है तो आप अच्छे से रह रही हो, ये ले रही हो, वो ले रही है। तो वो सब कुछ बहुत कुछ हो रहा था, पर यूट्यूब की कमाई आ रही है तो आपके घर में से तो नहीं आ रही है, आपके पॉकेट में से तो नहीं जा रही है। यूट्यूब पर फेमस होना कोई बच्चों का खेल नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि यार वीडियो बना दिया, डाल दिया, ऐसे वैसे नहीं है, क्योंकि मेरी भी चैनल है, मैं भी वीडियो बनाती हूँ, मुझे पता है कि कितनी मेहनत लगती है यूट्यूब पर वीडियो डालने में। और सबसे ज्यादा मेहनत लगती है एक व्लॉगर को, व्लॉग जो बनाते हैं ना उसमें बहुत मेहनत लगती है, और एडिटिंग करने में भी बहुत मेहनत लगती है, ऐसे पब्लिक नहीं हो जाती है कोई भी वीडियो। तो मुझे ऐसा था कि ऐसे जो लोग हैं ना वो शायद हमारी अगल बगल में ही है, घर के अंदर, या फिर रिश्तेदारी में, या फिर अड़ोस पड़ोस में ऐसे ही लोग रहते होंगे। पर मैं भूल गई थी कि ऐसे सारी दुनिया में बसे हुए हैं, और यूट्यूब पर जो लोग चैनल बनाकर आ गए हैं ना वो सब लोग ऐसे ही दुनिया में से आए हुए हैं। तो क्या है ना, घर के अगल बगल में और किसी और की लाइफ में तो वो गंदगी फैलाते ही है, पर यूट्यूब पर भी आकर वो लोग गंदगी फैलाते हैं यार। तो कुछ सोच समझ कर बोल दिया करो। और मैंने सितारा जी के चैनल पे मैं डेली वीडियो फॉलो करती हूँ और मैं देखती हूँ कि ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, रियल में उनके हस्बैंड ने दूसरी शादी की है वो बात सच है। और क्या हुआ कि वो बार बार आकर बोल रही थी कि आप मेरे घर पे आ जाओ, मैं आपको प्रूफ देती हूँ, मैं सब कुछ आपको दिखाती हूँ, जो भी हमारे यहाँ रस्म होती है, जो भी होता है, वो सब कुछ आपको दिखाती हूँ कि रियल में मेरे हस्बैंड ने शादी की है या नहीं की है। तो जो उनके हस्बैंड ने जो दूसरी शादी की है, उनकी वाइफ का नाम कौसर जी है,
तो उन्होंने कौशल जी की फोटो भी बताई, शादी की पूरी फोटो बताई, वीडियो बताया, और जब शादी हो रही थी तो लाइव भी बताया, तो बोला कि नहीं नहीं आप झूठ बोल रही हो, किसी और बंदे की शादी हो रही है और आप अपने हस्बैंड को बोल रही हो कि आपके हस्बैंड ने शादी की है, ऐसा चैनल पे बता रही हो आप। तो बहुत कुछ ऐसे रायता फैला है यूट्यूब पर, और बहुत लोग अंदर अंदर झगड़ा भी कर रहे हैं इस बात पर फाइनली खुशी की बात ये है कि सच्चाई की जीत हुई। जैसे कौशल जी चैनल पर नहीं आ रही थी, उनके फादर ने मना किया था कि मेरी बेटी चैनल पे नहीं आएगी, वीडियो पे नहीं आएगी, फिर उनको लगा, कौशल जी के फादर को भी लगा, जो परिवार के लोग हैं ससुराल वाले उनको भी लगा कि नहीं नहीं बहुत बुरा हो रहा है, सब लोग सितारा जी को बहुत ब्लेम कर रहे हैं, उनके खिलाफ बहुत सारी वीडियो बना रहे हैं और बातें कर रहे हैं, उन पर उंगली उठ रही है। तब उन्होंने सपोर्ट दिया कि नहीं आप शादी की जो वीडियो है वो अपनी चैनल पे बता दो। तो फाइनली आज के जो वीडियो में है ना, सितारा जी की वीडियो में, तो उनके हस्बैंड ने जो दूसरी शादी की है तो फुल प्रूफ के साथ उन्होंने वो सारी पिक्चर भी दिखाई है और वीडियो भी बताया है। तो जो लोग उनके खिलाफ भी है और जो देखना भी चाहते हैं, तो जाइए सितारा यासिन की चैनल पे और जाकर दिखाइए। और प्लीज फ्रेंड्स, ऐसे मत झगड़ा करो, अंदर 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 आप झगड़ते हो और वो वीडियो पब्लिक देखती है तो कोई मजे लेता है, कोई सीरियस नहीं होता है, और जो हमारे जैसे होते हैं ना वो सीरियस हो जाते हैं कि यार ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि हम चैनल पर इसलिए आते हैं और वीडियो इसलिए बनाते हैं कि यार रोज की जो लाइफ होती है ना, डेली लाइफ होती है ना, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में होती है, तो हम माइंड थोड़ा चेंज करने के लिए यूट्यूब पर आते हैं। तो जो हमारे घर में होता है वो सब कुछ यूट्यूब पर दिखने को मिलता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। तो प्लीज ऐसे अंदर अंदर झगड़ा मत कीजिए, और खुश इसलिए हूँ कि आज फाइनली उन्होंने वीडियो रख दिया सबके सामने, जो लोग उनको ब्लेम कर रहे थे, जिनके खिलाफ उनके खिलाफ सब लोग बोल रहे थे, बहुत चर्चा हो रही थी, उनको कुछ ना कुछ ऐसी लैंग्वेज भी बोल रहे थे बहुत गंदी, मतलब कि पूछो ही मत। तो किसी लेडी को ऐसे बोलने से पहले सोच लो कि आपके घर में भी बहुत सारी लेडी हैं, तो अच्छा नहीं लगता। तो आज उनके मुंह पर एक तमाचा दिया है उन्होंने, और बहुत जोर से लगा है वो तमाचा, जो उनके खिलाफ बना रहे थे वीडियो सब कुछ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने पहले भी बोला कि अगर मुझे फेमस होना होता सीतारा जी की थ्रू, तो मैं 1 महीने के पहले से ही वीडियो लगातार बनाती रहती उनके लिए, पर मुझे फेमस नहीं होना है, बस मैं खुश हूँ कि आज सच में उनके लिए अच्छा हुआ है, और जो लोग बोलते थे उनके खिलाफ उनके मुंह पर एक तमाचा लगा है। तो ऐसे जो पीठ पीछे बातें करते हैं और किसी ना किसी को ऐसे ब्लेम करते हैं ना, उन लोगों तो रोज तमाचा पड़ना चाहिए, मुझे अच्छा लगता है वो सब कुछ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आज का वीडियो मेरा रेडी है, पर शायद आज मेरा वीडियो नहीं आएगा क्योंकि आज मैंने ऑलरेडी ये वीडियो पब्लिक कर दिया है, तो आज का वीडियो कल आएगा, और आज ये वीडियो 9 बजे नहीं आएगा, अभी मैं पब्लिक कर देती हूँ तो अभी आएगा ये वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं जल्दी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।